नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका से तनातनी और दुश्मनी के बीच ईरान की ऐसी लॉटरी लगी है जिसे जानकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह जल भुन जाएंगे। अमेरिका ने जिस ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचना मुश्किल कर दिया था, न्यूक्लियर डील रद्द कर दी थी, उसी ईरान ने अपने देश में बेशुमार तेल भंडार खोज निकाला है। ईरान ने इस तेल भंडार की जो मात्रा बताई है वो इतनी है कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश बन जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बताया कि उनके देश के दक्षिणी हिस्से में 50 बिलियन बैरल कच्चे तेल का एक नया ऑयल फील्ड मिला है। ईरान को यह ऑयल फील्ड ईरान के साउथ खुजिस्तान प्रांत में मिला है जो ऑयल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। रूहानी ने कहा कि इस ऑयल फील्ड के मिलने से ईरान के 150 अरब बैरल के प्रमाणिक तेल भंडार में 53 अरब बैरल का इजाफा हो जाएगा जो उसके कुल तेल भंडार उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा है। रूहानी ने इसका ऐलान अपने सरकारी टीवी पर किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी जमकर मजे लिए। अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, मैं व्हाइट हाउस को बताना चाहता हूं कि जब आप ईरान के तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त थे तब हमारे देश के प्यारे मजदूर और इंजीनियर्स ने 53 अरब बैरल का एक तेल भंडार खोज निकाला। रूहानी के मुताबिक नया तेल भंडार ईरान के खुजिस्तान प्रांत में है। ये 2400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। ये क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर की दूरी में 80 मीटर गहराई तक फैला है। रूहानी ने कहा कि ये सरकार की ओर से ईरान के लोगों को एक छोटा सा तोहफा है। इस खोज के बाद ईरान की स्थापित कच्चा तेल भंडार क्षमता में 34% का इजाफा होगा। दरअसल ईरान और अमेरिका में कई सालों से तनाव चला आ रहा है। साल 2015 में अमेरिका ने खुद को ईरान से होने वाली न्यूक्लियर डील से भी अलग कर लिया था। यही नहीं, वो बाकी देश जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को भी इससे दूर रहने की हिदायत दे चुका है। हालांकि उसकी ये कोशिशें बेकार ही रहीं। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत पर भी ईरान से तेल नहीं लेने का दबाव बनाया था। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से कई देश ईरान से तेल खरीद नहीं पाते जिसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल के भंडार वाला देश है। इस सूची में सबसे ऊपर वेनेजुएला है जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है जिसका 266 बिलियन बैरल पर कब्जा है, जबकि तीसरे नंबर पर कनाडा का नाम आता है।